देश भर में कोरोना वायरस की रफ्तार जारी। अब तक करीब 8,50,000 ज्यादा केस आ चुके हैं सामने, 22,600 ज्यादा लोगों गई जान। कोरोना वायरस की चपेट में आए महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती। कोरोना वायरस के हल्के लक्षण मिलने के बाद आइसोलेशन वार्ड में रखा गया, अस्पताल ने बयान जारी कर दी जानकारी। मध्य प्रदेश में आज होगा विभागों का बंटवारा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए थे विभागों के बंटवारे के संकेत। 2 जुलाई को शिवराज सरकार ने किया था मंत्रिमंडल विस्तार। राजस्थान में जारी सियासी ड्रामा, सीएम गहलोत ने बीजेपी पर लगाया सरकार गिराने की साजिश का आरोप। एसओजी के पास बयान दर्ज कराने जाएंगे सीएम अशोक गहलोत। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां हुई तेज। तेजस्वी ने सुशील मोदी के विजन पर उठाया सवाल तो सुशील बोले हार के डर से चुनाव टलवाना चाहती है आरजेडी। जल्द होने वाला है संसद के मानसून सत्र का आगाज। एक साथ दोनों सदन की कार्यवाही चलाने की तैयारी जारी। सांसदों की उपस्थिति के दौरान सामाजिक दूरी के मानकों का रखा जाएगा खास ध्यान। उत्तर प्रदेश के सभी शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जाएगा विशेष स्वच्छता अभियान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिया आदेश। आज से शुरू होगा शहरों में सैनिटाइजेशन का काम। प्रशासन ने की लोगों से बेवजह घरों से ना निकलने की अपील। कोरोना काल में महाराष्ट्र में अलग अंदाज में मनाया जाएगा गणेश उत्सव। उद्धव सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। ऑनलाइन दर्शन और आरती की व्यवस्था। गणेश विसर्जन पर रोक की गई है अपील। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कमांडर समेत 3 आतंकियों को किया ढेर। बिहार उत्तराखंड में आज भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग का अनुमान, नदियों में भी उफान आने की संभावना। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में भी बारिश की संभावना। दुनिया भर में कोरोना ने मचाई तबाही। अब तक विश्व में कोरोना संक्रमितों की तादाद पहुंची 1,26,81,000 के पार। 5,64,000 ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा अमेरिका को किया बेहाल। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की तादाद 32,45,000 के पार। अब तक 1,34,700 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। अमेरिका से फिर एक गोलीबारी की घटना आई सामने। साउथ टेक्सास में संदिग्ध व्यक्ति ने की गोलीबारी। घटना में 2 पुलिस अधिकारियों की मौत, 1 संदिग्ध भी हुआ घायल। भारतवंशी वैज्ञानिक डॉक्टर पराग चिटनीस को अमेरिका में मिली बड़ी जिम्मेदारी। पराग बने अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन के कार्यवाहक प्रमुख। डॉक्टर स्कॉट एंजेल की जगह लेंगे पराग। चीन में आया भूकंप। बीजिंग और तियानजिन में महसूस किए गए भूकंप के जोरदार झटके। रिएक्टर स्केल पर 5.1 मापी गई भूकंप की तीव्रता। जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। भारत सरकार के सख्ती का दिखा असर। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने घटाई एचडीएफसी में अपनी हिस्सेदारी। एचडीएफसी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की हिस्सेदारी 30 जून को घटकर 70.17% रह गई, जो इससे पहले 31 मार्च की तिमाही में 70.88% थी। वंदे भारत रेल परियोजना को लेकर कैट ने सरकार को लिखा पत्र। परियोजना में शामिल चीनी कंपनियों को हटाने की कैट ने सरकार से की मांग। कहा चीनी कंपनियों को नहीं दी जानी चाहिए परियोजना में भाग लेने की अनुमति। रिटेल चेन डीमार्ट को पहली तिमाही में लगा जोरदार झटका। कंपनी के शुद्ध लाभ में आई 87.6% कमी। जून तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ घटकर 40.08 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल अप्रैल जून तिमाही में कंपनी को हुआ था 323 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सस्ता किया लोन। बैंक ने होम कार और दूसरे लोन भी किए सस्ते। बैंक ने की MCLR में 0.0% कटौती। आज से लागू होंगी नई दरें। SBI ने पेनड्राइव के इस्तेमाल पर किया सतर्क। कहा फाइल ट्रांसफर करते समय बरते थोड़ी ज्यादा सावधानी, नहीं तो बड़ा नुकसान होने की बढ़ेगी संभावना। SBI ने कई सुझाव भी किए साझा।